बटियागढ़ में वार्ड नंबर 18 में रहने वाली साहू कॉलोनी में वंदना साहू है, जो जिसके दो बच्चे और बड़ा परिवार है। वंदना सबसे ज़्यादा समस्या से पीड़ित है कि उस बस्ती में पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, ना कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई नलकूप नहीं है, जिससे उसे एक से लेकर 1.5 किलोमीटर तक की दूरी से पानी लाना पड़ता है। बताइए क्या समस्या है पानी? पानी की समस्या जा है कि अब नहीं है, कोई भरे बार अकेले हैं, परेशानी है, चार तीन बच्चा है, सब कच्ची जो हैं तो उनके छोड़ के जाओ तेलो तो भागो तो भी सब परेशान हो रहे। इसे हम अपने 200 रुपया कारखाना वहाँ से करी अपने मंजूरी और 200 रुपया महीना भर रहे। दूर से पानी लाने अब नहीं थे न लिया ने कच्छू नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है कि इधर तनक आज़ादी हो कछू बात कच्छू की नहीं है बिल्कुल। पिछले 15 से 20 साल के अवधि के बीच में इस वार्ड नंबर 18 साहू कॉलोनी में कोई भी अभी तक पानी की सुविधा नहीं दी गई, ना तो वहाँ पाइपलाइन है ना ही कोई नलकूप है, जिससे लोगों को पानी की समस्या से राहत मिले। वंदना जैसी और भी महिलाएं हैं जिन्हें पानी की समस्या से परेशानी है, क्योंकि अभी जो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से वो पानी लाती हैं और सर से पानी लाने के कारण वो थक भी जाती हैं और बीमार भी ज़्यादा रहती हैं। यहाँ से बहुत दूर है, कलारी कैनल से पानी लाना पड़ता है और वहाँ से लाने में परेशानी भी जाती है। कितना पानी भरते हैं आप लोग? कम से कम 20 डिब्बा तो पानी लगता है। ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसमें बदलाव चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि जो महिलाओं की समस्या है उसमें बदलाव हो, उनको को नलकूप की सुविधा मिले, जो कि सरकार से अभी योजना चल रही है नलकूप देने की। अगर आप इस समस्या से पीड़ित लोगों से प्रभावित हैं तो इसमें बदलाव लाने के लिए मेरी आप सबसे अपील है कि आप पीएचई विभाग के अधिकारी जी का नाम है श्रीमान ओपी चौबे जी, जिनका फ़ोन नंबर है 9617-2275-57। बदलाव के लिए इसी नंबर पर फ़ोन करें और अपना दबाव बनाएं। मैं आरती बाई वाल्मीकि, जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।